जी स्टोन हाने सा चंदा कार्बोजाइलिक एसिड्स से, कार्बोजाइलिक एसिड्स, कार्बो कार्बोजाइलिक एसिड्स, कार्बोजाइलिक एसिड्स ये जो को फंक्शनल ग्रुप आ ओ आई आर आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ठीक है जिन जो फंक्शनल ग्रुप हो जे आर सी डबल ओ एच ही शायन कार्बोजाइलिक एसिड्स पे असा चौदा इन नॉमन कलेचर थे ठीक है नॉमन कलेचर में असो पढ़ा कॉमन सिस्टम बो पढ़ा आईपेक सिस्टम ठीक है कॉमन सिस्टम बो है इन कड़ो आईपेक सिस्टम ठीक है हाँ कॉमन सिस्टम आईपेक सिस्टम में असके नाला गिनी इन जे नाला उ लेटिन नेम्स में वरतल सोर्सिस में वरतल अस अग में ही पढ़ो से जानी जो सो फस्ट जो मेंबर हों कार्बोजाइलिक एसिड उन चबा फार्मिक एसिड यानि जैमें एक कार्बन आ एच सी ओ एच इन में अस अल्डिहाइड नाला क्या ड्राइव क्या फार्मिक एसिड उन बाद में एसेटिक एसिड ठीक है जैमें ब कार्बन जहाँ आइटम्स होजन उन चब एसेटिक एसिड अड़े नमूने से प्रोपायोनिक एसिड प्रोपायोनिक एसिड सी एच थ्री सी ओ सॉरी सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ठीक है ब्यूटायरिक एसिड ब्यूटायरिक एसिड यानि सी एच थ्री चार कार्बन जहाँ आइटम्स इतने ब सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ही कार्बन नंबर वन ही एक ब टे एक चार वेलरिक एसिड वेलरिक एसिड माना घना कार्बन जहाँ आइटम्स फाइव सी एच टू घना थ्री सी ओ ओ एच अड़े नमूने से इनके नाला दिंदा जैसे असो जो ग्रुप अटेड आ जी आए सी ओ ओ एच ठीक है ही आए कार्बन 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 तो ही फंक्शनल ग्रुप आ ही कार्बन नंबर वन आ ही कार्बन नंबर टू आ ही कार्बन नंबर थ्री आ ही कार्बन नंबर फोर आ याद कर जो कार्बन नंबर वन जो हों हमेशा किथे हों कार्बोजाइलिक एसिड वो कार्बन आ कार्बोनाइल ग्रुप वो वो दैट इज़ दी कार्बन नंबर वन ठीक है बो आए कार्बन नंबर टू कार्बन नंबर थ्री एंड कार्बन नंबर फोर पर ही अस वन टू थ्री वो पोजिशन शो कह आईपेक सिस्टम में पर जो अल्फा में अस कॉमन सिस्टम यूज कह अल्फा बीटा गामा ही कार्बन कड़ो अल्फा कार्बन ही कार्बन बीटा कार्बन ही कार्बन कड़ो गामा कार्बन तो हाँ इतने अस यूज कह कॉमन सिस्टम में अल्फा बीटा गामा फॉर एग्जाम्पल सी एच थ्री सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ठीक है इतने जो सो ही कड़ो अल्फा कार्बन इन में चेन में घना कार्बन आइटम्स वन टू थ्री थ्री वाली चेन के प्रोपायोनिक एसिड पर इतने अल्फा दे मिथाइल आंदे लिखे अल्फा मिथाइल प्रोपायोनिक एसिड अल्फा मिथाइल प्रोपायोनिक एसिड ठीक है इन वे से सी एच थ्री सी एच टू सी एच क्लोरीन सी एच टू सी ओ ओ एच ठीक है तो इन में ऐसो घना कार्बन जहाँ आइटम्स इन में वन टू थ्री फोर फाइव माना वेलरिक एसिड आ ही क्लोरो आ ही अल्फा ही शाते आ बीटा कार्बन ते आ ठीक है तो इनके चाहिए बीटा क्लोरो वेलरिक एसिड ये जो हों कॉमन नेम्स हों जर अस आईपेक नेम्स से अचूँ आईपेक सिस्टम से अचूँ तो आईपेक सिस्टम में इन नालो कह दिंदा अल्केनोइक एसिड से दीज आर नेम्ड एज अल्केनोइक एसिड अल्केन में माना अस अल्केन उनमें मिथेनोइक एसिड ब्यूटेनोइक एसिड प्रोपेनोइक मिथेनोइक इथेनोइक प्रोपेनोइक ये नाला दिंदा वा अच्छा फॉर एग्जाम्पल आए सी एच थ्री ए नंबरिंग भी अस ये कहते मिसाल सी एच टू सी एच थ्री
सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, जी असा लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन सिलेक्ट कंदासे, ही लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन आ। ठीक है, लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन में कार्बन नंबर वन हमेशा फिक्स आ, छो तो ही टर्मिनल ग्रुप आ। अल्डिहाइड में भी आ सिचुएशन हुई, अल्डिहाइड में भी कार्बन नंबर वन छो, ये जो अल्डिहाइड वो ग्रुप हो कार्बन नंबर वन हो। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बन नंबर वन यो ही कंसिडर करना, छो तो टर्मिनल ग्रुप्स में नंबरिंग जो कोई इशू ना है। कार्बन नंबर वन वो कंसिडर करना, कार्बन नंबर टू, कार्बन नंबर थ्री, कार्बन नंबर फोर, ही मिथाइल ग्रुप आ। इनके लिखे टू मिथाइल, टू मिथाइल चार तो माना ब्यूटेनोइक एसिड। इन में पोजिशन शो करनी का जरूरत को, छो तो याद अंडरस्टूड गाल पोजिशन कार्बन नंबर वन से आड़े हिसाब से जैसे असा सी एच टू सॉरी सी एच टू। ठीक है, सी एच टू सी डबल ओ एच। ठीक है, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन कड़ी है, इतना स्टार्ट कर लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन कड़ी है, वह हेडे दी वे लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन कार्बन नंबर वन ही है। कार्बन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये मिथाइल ग्रुप आ, चार कहते फोर मिथाइल, फोर से मिथाइल आ। ये हेक्सेनोइक एसिड आ, हेक्सेनोइक एसिड। जैसे ब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स होंगे, जैसे ब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हों, सी डबल ओ एच इतने हो, वरी सी एच टू हो, वरी सी डबल ओ एच एडा हो, तो हि चेन आ टिन कार्बन के आइटम्स की, वन टू थ्री माना प्रोपेनोइक एसिड। पर इतने ब कार्बोक्सिलिक एसिड तो ओइक एसिड जो है उन इस्तेमाल कहते डाय, लिखे प्रोपेन, प्रोपेन डायोइक एसिड, प्रोपेन डायोइक एसिड। अड़े नमूने से जैसे सी डबल ओ एच, ही आए सी डबल ओ एच, इनके चाहे इथेन डायोइक एसिड, इथेन डायोइक एसिड जैसे अस ऑक्सलिक एसिड भी चवंदा हूँ कॉमनली। सो इथेन डायोइक एसिड आ, प्रोपेन डायोइक एसिड आ, तो इन वे से नाले दिंदे आईपेक नाला दिंदे। उन बाद में अस चौदा केमिस्ट्री ऑफ एसिटिक एसिड से, केमिस्ट्री ऑफ एसिटिक एसिड से पैर आए एसिटिक एसिड की प्रिपेरेशन। प्रिपेरेशन में नंबर वन फ्रॉम पायरोलिजिनियस एसिड्स अस पढ़ी आयो, पायरोली, पायरोलिजिनियस एसिड, पायरोलिजिनियस एसिड इज ऑब्टेन फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द कोल, अस पढ़ी आयो। जैसे पायरोलिजिनियस एसिड जो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल क्यों, सॉरी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड क्यों, तो असें मिलता है मुख्तलिफ़ फ्रैक्शंस मिलता है, वुड गैस मिलती है, वुड गैस मिलती है, वुड टार हों। ठीक है, जो सो वुड चारकोल हों, रेजिड्यू। उन अलावा असो मेन कंपाउंड कड़ो हों, पायरोलिजिनियस एसिड्स। इन पायरोलिजिनियस एसिड्स में अस मिथाइल अल्कोहल भी हासिल पाया क्यों, जैसे इन कहते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो फ्रैक्शनल क्यों इतने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल जैसे डिस्टिलेशन कहे तो असेंगे मिलद, असेंगे एसिटिक एसिड मिलद, मिथाइल अल्कोहल अलग थो। बहरहाल इतने अस फोकस क्यों एसिटिक एसिड, ही असो सो डिजायर्ड प्रोडक्ट आ। इन में अस हासिल कहे नंबर टू आए मेथड फ्राम, फ्राम इथाइन, फ्राम इथाइन, ये अस पढ़ी आयो रिएक्शन सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच। जैसे अस सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच जी कराइंदा हाइड्रेशन प्लस एच ओ एच हाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट, तो अस फर्स्ट में अस मिल्द सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच ओ एच विनाइल अल्कोहल। अस पढ़ी आयो विनाइल अल्कोहल अनस्टेबल प्रोडक्ट होंगी, ही अनस्टेबल ही कन्वर्ट में थी सही विनाइल अल्कोहल जो सो रीअरेंज कर एसिटल्डिहाइड में सी एच थ्री सी ओ एच। ठीक है, एंड एसिटल्डिहाइड की अस वरी क्या ऑक्सीडेशन, असें खबर आज अस एसिटल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन पढ़ी वे एसिटल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कहे
इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 तो असें मिल एसेटिक एसिड CH3COOH ये असाई प्रोडक्ट है। बहरहाल असं कितना स्टार्ट किया फ्रॉम इथाइन इथाइन में पहले हासिल किया एसीटल्डिहाइड एसीटल्डिहाइड के ऑक्सीडाइज किया शाम में एसेटिक एसिड में। अच्छा नंबर 3 आए फ्रॉम इथाइल अल्कोहल फ्रॉम इथाइल अल्कोहल ही मेथड तुम बार बार पढ़ी चुका हो यानी इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH पहले इनके कहते ऑक्सीडाइज कहते सागो ही K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो असें मिलो CH3COH एसीटल्डिहाइड एसीटल्डिहाइड के वरी फर्दर सागे ही H2SO4 K2Cr2O7 के मिक्सचर में ऑक्सीडाइज कहते तो वी विल गेट द एसेटिक एसिड CH3COOH। ठीक है तो ही प्रिपेरेशन मेथड्स कैंजा एसेटिक एसिड जहाँ उन बाद में एसेटिक एसिड जो चाहन फिजिकल प्रॉपर्टीज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही कलरलेस एसेटिक एसिड को सुरके में होंगे कलरलेस वोलेटाइल वोलेटाइल लिक्विड विथ द ऑर्डर ऑफ या स्मेल ऑफ विनेगर सुरके जड़ी रही होंगी स्मेल होंगी ही सॉल्युबल अच्छा में सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है इथर में इथेनॉल में सागी सिचुएशन है एसीटोन भी वाटर में भी हो इथर में भी हो इथेनॉल में भी ही भी शायद वाटर में इथर में इथेनॉल टनी में शायद सॉल्युबल अच्छा इनको जो एनहाइड्रस फॉर्म जो हों एनहाइड्रस माना जैसे वाटर या मॉलिक्यूल निकली वन एनहाइड्रस फॉर्म हों क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टलाइन बल्कि हाइग्रोस्कोपिक सॉलिड हों क्रिस्टलाइन हाइग्रोस्कोपिक सॉलिड हों। ठीक अच्छा इनके जो फ्रीज क्यों तो एसेटिक एसिड फ्रीजिस जो प्योर एसेटिक एसिड हो तो फ्रीजिस लाइक ग्लासी मास बिल्कुल जो सो शफाफ शीशे वागुर जो सो जैसे इनके फ्रीज कह तो सॉलिड मिल असेंगे और जो ग्लासी मास जो हों बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो मास हों फ्रीज करण के बाद में एसिटिक एसिड मिल सॉलिड फॉर्म उनके चाहिए ग्लेशियल एसिटिक एसिड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है जैसे एसिटिक एसिड CH3 जैसे ही एसिटिक एसिड है जैसे एसिटिक एसिड में अस वाटर जो मॉलिक्यूल बाहर कढ़ूँ तो सिचुएशन के थी जैसे वाटर जो मॉलिक्यूल अस बाहर कढ़ूँ ये माइनस H2O तो प्रोड्यूस एसेटिक एनहाइड्राइड प्रोड्यूस एसेटिक एनहाइड्राइड यानी CH3C OO। ठीक है CH3C OO H2O निकरी बाकी वो इतने ऑक्सीजन इनके चब एसेटिक एनहाइड्राइड एसेटिक एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड बना में वाटर के मॉलिक्यूल निकल बिना एसेटिक एसिड मॉलिक्यूल्स में ही भी शाय दैट इज आल्सो हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है उन बाद में असा इंदे हाँ इन केमिकल प्रॉपर्टीज।